वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस बेटा। सीरीज चल रही है हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर नंबर 3 की क्लास 10, ठीक है बेटा। और अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन को हम देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब हम समझने जा रहे हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। द लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं ऑक्साइड्स का बाय हीट अलोन, यानी कि उनके ऑक्साइड्स को लो और उनको हीट कर दो, ठीक है, यानी कि रोस्ट कर दो और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, वो प्योर मेटल मिल जाएगा। यही फंडा इसमें यूज होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला समझ लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी इज ए लेस रिएक्टिव मेटल, ये तो पता ही है आपको, लेस रिएक्टिव मेटल है, विच इज क्वाइट लो इन द एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी जो सीरीज है वो काफी लो लेवल पे आता है, ठीक। मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मरकरी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर, यानी कि क्या करेंगे, सल्फाइड ओर ले लिया और उसको क्या कर दिया, सिंपल हीट कर दिया और इन एयर, एयर की प्रेजेंस में क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। बेटा एयर की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, और जब एयर की एब्सेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर एक जो प्रोसेस होगा वो यूज होगा रोस्टिंग, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, यानी कि सल्फाइड ओर ले लेंगे हम मरकरी का और उसको हीट कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मरकरी मिल जाएगी, ठीक है। दिस हैपन्स एज फॉलोज, उसके मेथड्स हैं, मरकरी मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सल्फाइड ओर कॉल्ड सिनेबर, ठीक है। सिनेबर इसका क्या है, सल्फाइड ओर है, इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, HgS, विच इज एक्चुअली मरकरी, मरकरी ही है, इसमें सल्फाइड निकाल दो क्या है, मरकरी बचा सल्फाइड। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबर ओर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, दो स्टेप्स होते हैं इसमें, टू स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, कौन से स्टेप है देखो समझ लो। पहला स्टेप क्या है, द कंसनट्रेटेड मरकरी यानी कि टू सल्फाइड ओर यानी कि सिनेबर जो आपने ले लिया इज रोस्टेड इन एयर, रोस्ट कर देंगे एयर में, व्हेन मरकरी टू ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, क्या बन जाएगा, मरकरी टू हमें मिल जाएगा, मरकरी सेकेंड मिल जाएगा। देखो हमने क्या करा, देखो सिनेबर ले लिया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, रोस्ट कर दिया, क्या मिला, मरकरी सेकंड ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, ठीक। अब फिर से व्हेन दिस मरकरी यानी कि इसको 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 हम क्या कर रहे हैं, व्हेन दिस मरकरी टू ऑक्साइड इज हीटेड टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या कर देंगे, 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे, इट डिकम्पोजिस रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म मरकरी, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया और हमें क्या मिल गया, मरकरी मेटल यहाँ पर मिल गया। तो मेनली देखो क्या फंक्शन है रोस्टिंग का, रोस्टिंग का फंक्शन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होना, यानी कि जो सिनेबर है वो मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और उसको फिर हमने हीट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, मरकरी मेटल मिल गया, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पर थी। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इसी मेथड से क्या करेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, कैसे, कॉपर इज ए लेस रिएक्टिव मेटल विच इज क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर, जैसे मरकरी के साथ हुआ, सल्फाइड ओर को क्या करा, हीट कर दिया, वहां पर हमें मरकरी मिल गई, यहाँ पर कॉपर के जो सल्फाइड ओर है उसको हम हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो दिस हैपन्स एज फॉलोज, वन ऑफ दी ओर्स फ्रॉम विच कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस, कॉपर मेटल जिससे मिलता है उसका नाम है एज कॉपर ग्लांस, क्या नाम है उसका बेटा, कॉपर ग्लांस, ये है Cu2S, क्या फॉर्मूला है इसका, Cu2 और ये S, ठीक है, विच इज एक्चुअली कॉपर वन सल्फाइड, क्या है, सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लांस और इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टू स्टेप, वही दो स्टेप वही सेम फॉलो होंगे, द कंसनट्रेटेड कॉपर वन सल्फाइड और इसको क्या बोल दो, कॉपर ग्लांस बोल दो, इज रोस्टेड, रोस्ट करेंगे इन एयर, व्हेन ए पार्ट ऑफ कॉपर वन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कॉपर ऑक्साइड, क्या बन गया, कॉपर सल्फाइड को रोस्ट किया कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। यही मेथड है, देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फाइड यानी कि कॉपर ग्लांस का हमने ओर ले लिया, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट कर दिया, ठीक है, जब रोस्टिंग करेंगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। तो अब हम इसको पिक करेंगे,
ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड को हमने पिक किया, फिर उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, और हमें यहाँ क्या मिल गया, देखो प्योर मेटल मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, यही बात यहाँ पर बता रखी है मैंने, गुड अमाउंट ऑफ कॉपर वन सल्फाइड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉपर वन ऑक्साइड, देन सप्लाई ऑफ एयर फॉर रोस्टिंग इज स्टॉप, एयर को क्या कर देंगे, सप्लाई ऑफ एयर को हम खत्म कर देंगे, रोक देंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड अबव रिएक्ट्स विद रिमेनिंग कॉपर वन सल्फाइड। ठीक है, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिला, जो बचा हुआ था कॉपर सल्फाइड, उसके साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, और उसके बाद यहाँ पर हम हीट सप्लाई कर दी, और हीट सप्लाई के बाद हमें क्या मिल गया, कॉपर मेटल मिल गया। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई है, बहुत सिंपल बात है, कोई ऐसा टफ इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एक डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल, किसको क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाइंग कर रहे हैं इम्प्योर मेटल को, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और सबसे बेस्ट जो तरीका है रिफाइनिंग ऑफ मेटल का वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मैथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट और ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल किसे कहते हैं और रिफाइनिंग ऑफ मेटल का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ठीक है, ए समरी ऑफ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज गिवन बिलो। ठीक, प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक समरी हमने यहाँ पर बता रखी है, देखो ये आपको पता होगा एनसीईआरटी में भी दे रखे, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक यहाँ पर क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसके लिए अभी मैंने मेथड बताया था आपको, क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड, मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड है उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हाईली रिएक्टिव की बात है, अब आ जाते हैं यहाँ पर वो क्या है, मॉडरेटली जो रिएक्टिव है, यानी कि जो इनसे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, दो तरीके होते हैं, एक तो कार्बोनेट ओर बनाओ और या क्या बनाओ, सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर के लिए क्या यूज़ करते हैं, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन होते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना, और रोस्टिंग होती है प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करना। ठीक है, किसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पर करते हैं कार्बोनेट ओर को, कैल्सिनेशन में सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर, और सल्फाइड ओर को कैसे करते हैं, रोस्टिंग से। ठीक, मेटल ऑक्साइड, अब ये दोनों ही प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेंगे, कैल्सिनेशन से भी और रोस्टिंग से भी, दोनों ही प्रोसेस से हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। और जब भी मेटल ऑक्साइड मिल जाए तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, मेटल ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे क्या बचेगा, मेटल बचेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन विथ कार्बन, कार्बन या एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, एक इम्प्योर मेटल मिल जाएगा, और इम्प्योर मेटल को फिर रिफाइन कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। और रिफाइनिंग का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब आ जाओ यहाँ पर, ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को सबसे पहले इनका सल्फाइड ओर ले लिया, और जब सल्फाइड ओर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। देखो सिमिलरली सल्फाइड ओर क्या करा, रोस्टिंग कर दिया, फिर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर इम्प्योर मेटल मिल गया, इम्प्योर मेटल को रिफाइनिंग कर लो, रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल। तो ये समरी थी जो हमने पढ़ी, और इससे पहले की वीडियोज में मैं सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ध्यान से देखो समझो और एग्जाम्पल्स को भी याद रखो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, जय श्री राधे। द कार्बोनेट आर स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये तो पता ही है, कैल्सिनेशन, मेटल कार्बोनेट क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक, द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विथ कार्बन टू फॉर्म फ्री मेटल, मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ कंबाइन करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल बता रखा था, आगे बढ़ो, कोरोजन, बहुत बढ़िया, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, कोरोजन है क्या, द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स का खाना, बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी कि एयर मॉइस्चर मिलके मेटल को क्या करते हैं, खाते रहते हैं, धीरे धीरे खाते रहते हैं, मतलब उसको खराब कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन की तो ये डेफिनेशन है, आपने पहले भी पढ़ी थी, किसमें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कंटिन्यूस प्रोसेस विच
अल्टीमेटली ईट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोरोजन आयरन का क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, आयरन बचेगा ही नहीं कुछ भी, किससे, एयर से, मॉइस्चर से, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई एसिड है वहाँ पर उससे, ठीक है। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, अगर आयरन का कोरोजन है उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग, और क्या बोलते हैं उसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई बड़ी बात है इसमें, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। आगे देखो, आगे क्या है, इन डैम्प एयर और वाटर फ्रॉम ए कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड। देखो क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी आयरन है, कोई भी मेटल है, उसको कंसिडरेबल टाइम के लिए आप क्या कर दोगे, उसके उसको मॉइस्चर में, एयर में, या जहाँ पर केमिकल है वहाँ पर रख दोगे, तो क्या होगा उसके अंदर, उसके अंदर क्या, एक रेड ब्राउन फ्लैकी जो सब्सटेंस है वो उसके सरफेस पे जम जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, रस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, रस्ट, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इतनी सी बात है, इसमें तो ऐसे कोई खास बात है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आसान है ये। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन। रस्ट क्या है, देखो समझ लो रस्ट को, रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड आयरन है, हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड बोल दो या कुछ ये ऐसे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देखो ये रहा, Fe2O3XH2O, ठीक। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये x क्या है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है यहाँ पर, ठीक। वेरीज, इट इज नॉट फिक्स्ड, ये वेरी होता है, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, दो कंडीशंस होती हैं बस, क्या होती हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर ऑक्सीजन है, एयर है वहाँ पर, ठीक है, या प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि एयर और मॉइस्चर दो चीज़ें होनी चाहिए तभी रस्टिंग ऑफ आयरन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ एयर एंड वाटर, ये तो क्लियर है, इसमें एक्सपेरिमेंट बताने की ज़रूरत तो है, वैसे हम आसपास देखते ही हैं कि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन वहाँ पर जहाँ पर है वहाँ पर दो चीज़ें ज़रूर होंगी, एयर भी प्रेजेंस है वहाँ पर और मॉइस्चर भी वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। देखो हमने क्या करा है, रबर कॉक फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, ड्राई एयर, वाटर फ्री एयर है यहाँ पर, ड्राई एयर है, आयरन नेल एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई एयर, ओनली एयर है यहाँ पर, नो रस्टिंग, सिर्फ एयर है, कोई रस्टिंग नहीं है यहाँ पर, ओनली वाटर है, सिर्फ वाटर है, कोई रस्टिंग नहीं है, ठीक, एयर है ही नहीं यहाँ पर, नो एयर, एयर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वाटर नहीं है, कोई भी रस्टिंग नहीं हो रही इसके अंदर, यहाँ पर दोनों है, एयर भी है और वाटर भी है, ठीक है। एयर एंड वाटर टुगेदर रस्टिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पर क्या होगा, रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एयर एयर प्रेजेंट है तो भी आयरन को कुछ नहीं हो सकता, और सिर्फ वाटर वाटर प्रेजेंट है आयरन को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि वाटर के अंदर क्या होता है, तो भी पाइपलाइंस होती हैं, तो उसके अंदर तो कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर एयर होगी वहाँ पर रस्टिंग होगी, जहाँ एयर और वाटर दोनों होंगे वहीं पर रस्टिंग होगी, इधर एयर अलग है तो भी रस्टिंग नहीं है और वाटर है तो भी रस्टिंग नहीं है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, अब रस्टिंग से बचाएं कैसे, अब रस्टिंग तो हो गई, रस्टिंग होने से पहले बचाएं कैसे, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, क्या कर दो, पेंटिंग कर दो आयरन को, ठीक है, आयरन को पेंट कर दो, तो उससे क्या होगा, एयर और मॉइस्चर के टच में नहीं आएगा सरफेस, आयरन का सरफेस आएगा नहीं तो रस्टिंग होगी नहीं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, ग्रीस और ऑयल भी लगा सकते हो, ठीक। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वनाइजेशन, ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, गैल्वनाइजेशन, ए मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि जिंक है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसे जिंक इज एबल टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, जिंक की एक सरफेस है उस पर लगा दो। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट, यानी कि जैसे जिंक है, जिंक की लेयर आयरन पे अगर लगा दो तो आयरन और जो एयर है और मॉइस्चर है उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो गैल्वनाइज्ड हो गया, यानी कि वो बच जाएगा किससे, रस्टिंग ऑफ आयरन से, ठीक है, रस्टिंग उसमें होगी नहीं, तो दो तीन मेथड हो गए आपके, ठीक, क्लियर होगी बात, चलो आगे बढ़ो। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलोइंग इट मेक स्टेनलेस स्टील, यानी कि जो आयरन है उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दो, तो भी क्या होगा, आयरन रस्ट नहीं पकड़ेगा और ना उस पर रस्टिंग हो गई, ठीक है। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी कोरोजन होता है, वेरी गुड, देख लो जरा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डल लेयर,
कैसी? द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर द एल्यूमिनियम वेजल लूजेज इट्स साइन, यानी कि एल्यूमिनियम की जो वेजल है उस पर कौन सी लेयर आ जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आ जाती है, ठीक है। तो उसकी जो डलनेस है वो बढ़ जाएगी और शाइनिंग जो है वो खत्म हो जाएगी आफ्टर यूज, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, उसकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक। इतनी सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर द एल्यूमिनियम वेजल लूजेस इट्स साइन वेरी सून आफ्टर यूज, जैसे हम यूज़ करते हैं उसकी शाइनिंग जो है वो खत्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि उस पर क्या हो गया, मॉइस्चर और एयर का अटैक हो गया, ठीक है, वो मॉइस्चर और एयर के टच में आ गई, ठीक। ए थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस, एक जो बहुत थिन लेयर चढ़ जाती है किस पे? सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम पे। ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर कोरोजन, ठीक है, और वो जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है आगे कोरोजन होने से, ठीक है। ए कॉमन मेटल विच इज हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन इज एल्यूमिनियम, एक जो सबसे कॉमन मेटल है जिसपे कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता वो क्या है? एल्यूमिनियम है। ध्यान से समझ लो फिर से, ए कॉमन मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव हार्डली रेसिस्टेंट टू कोरोजन इज एल्यूमिनियम, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड थिकर बाई इलेक्ट्रोलिसिस, अब उसकी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी जो लेयर है एल्यूमिनियम पर वो ज़्यादा मोटी बनाई जा सकती है, किससे? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, टू गिव देम इवन मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर लेयर चढ़ भी रही है ना उस पर तो भी उसका कोरोजन नहीं होगा, ठीक है, उसको ज़्यादा थिक बनाया जाता है किससे? इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक, और उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उस पर रस्टिंग ना हो, उस पर कोरोजन ना लगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एनोडाइजिंग बोलते हैं, ठीक, यानी कि जो थिक करना लेयर की किसकी? इलेक्ट्रोलिसिस से मेथड से थिकर बनाना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर की, किस पे? एल्यूमिनियम पर, उसको क्या बोलेंगे? एनोडाइजिंग बोल देंगे, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई? एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए, देखो डेफिनेशन क्लियर है यहाँ पर, देखो ध्यान से समझ लो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग इट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? चलो अब आते हैं एलॉयज के बारे में। देखो एलॉयज क्या है, अब क्या बात, देखो रस्ट अगर हम आयरन को यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, वो भी रस्टिंग होगी, एल्यूमिनियम पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है, कॉपर पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे क्या है, सबसे बेस्ट है एलॉय बना दो उसका, यानी कि दो तीन मेटल्स को मिक्स करके एलॉय बना दो और उसमें क्या होगा, सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ना तो उस पर रस्टिंग होगी, ना कोरोजन होगा, ना उसकी डलनेस होगी, और जो हमारे जो मेटल है उसकी सरफेस भी क्या होगा, शाइनिंग होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट स्ट्रॉन्ग, अभी बताया कि एल्यूमिनियम मेटल पे रस्टिंग कोरोजन तो हो नहीं रहा है लेकिन क्या होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम के साथ किसी और मेटल को मिला दें तो एलॉय बन जाएगा, तो एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विद कॉपर, कॉपर के साथ मिक्स करके अगर एल्यूमिनियम को बना दो, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कॉल्ड ड्यूरेल्यूमिन इज लाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ आपने मिक्स कर दिया किसको, कॉपर को मिक्स कर दिया बेटा, ठीक है, मैग्नीशियम को मिक्स कर दिया बेटा, ठीक है, और किसको कर दिया, मैग्नीज को मिक्स कर दिया, क्लियर है बात, और उसको क्या बना, ड्यूरेल्यूमिन बना दिया, और ये कंबाइंड होकर क्या बन जाते हैं, ड्यूरेल्यूमिन बन जाते हैं, और ये क्या होते हैं, ये लाइट भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, ठीक। जो एलॉय बना वो लाइट भी है और कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग भी है, तो यही होता है एलॉयज, इन्हीं क्या बोलते हैं, एलॉय, सभी की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लाइट भी नहीं होते, क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ में आई, चलिए बहुत अच्छे। एल्यूमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट हार्ड, कैसे, एल्यूमिनियम मेटल जो है वो क्या है, ना तो लाइट है और ना, देखो एल्यूमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट हार्ड, लाइट तो है ठीक है और हार्ड भी नहीं है, बट एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, अगर इसका हम एल्यूमिनियम का एलॉय बना दें विद किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉल्ड मैग्नेलियम, क्या, मैग्नेलियम इज लाइट एज वेल है हार्ड, क्लियर होगी बात, यानी कि एल्यूमिनियम का अगर मिक्स कर दें किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ हमने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, मैग्नेलियम बन गया, और ये क्या है, लाइट तो है ही है और कैसा है, स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, लाइट भी है और कैसा है, स्ट्रॉन्ग भी है, क्लियर होगी बात, तो ये होगी एलॉयज की बात, ठीक है। अब देखो
अब देखो यहाँ पर समझो ध्यान से कि व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन वेरिंग फ्रॉम अबाउट 0.1%, यानी कि छोटा सा अमाउंट कार्बन ले लिया, कैसे 0.1% से 1.5% इज मिक्स्ड विथ आयरन, अगर कार्बन को मिक्स कर दे किसके साथ, आयरन के साथ हमने मिक्स कर दिया, वी गेट एन एलॉय, एलॉय बन जाता है, और उसका क्या नाम होता है बेटा, स्टील। स्टील का समझ लो कि जो स्टील है उसके अंदर क्या है, स्टील जो है उसके अंदर दो चीज़ें, एक तो आयरन तो है ही और दूसरा क्या बेटा, कार्बन, और कार्बन की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 0.1% टू 1.5% वेरी करती है। दिस एलॉय ऑफ आयरन कॉल्ड स्टील, इसको क्या बोलेंगे, स्टील बोलेंगे, इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, अब उसके अंदर क्या होगा, वो हार्ड भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, इट ऑल्सो रस्ट लेस, और इस पर क्या होगा, रस्टिंग भी नहीं होगी। क्लियर हो गया, एलॉय का फायदा समझ में आया कि इस पर क्या होगी, रस्टिंग भी नहीं होगी, इट ऑल्सो रस्ट लेस रीडली देन प्योर आयरन, यानी कि आयरन से ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, आयरन में रस्टिंग हो सकती है लेकिन स्टील में रस्टिंग नहीं होगी। तो समझ में आ गई बात, क्या है, स्टील जो है वो एलॉय है, किसका, आयरन और कार्बन का एलॉय है वो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखो, आगे क्या बता रखा है, व्हेन आयरन मेटल इज अलॉयड, आयरन मेटल को क्या कर दो, अलॉय कर देते हैं हम, आयरन मेटल को अलॉय कर दिया, व्हेन आयरन मेटल इज अलॉयड विद अदर मेटल्स, अदर मेटल के साथ भी कर सकते हैं, सच एज क्रोमियम का यूज कर लो, निकल का यूज कर लो, वी गेट एन अलॉय, अलॉय हमें एक मिलता है, उसका नाम क्या है, स्टेनलेस स्टील, क्या नाम है उसका, स्टेनलेस स्टील। देखो स्टील अलग है और स्टेनलेस स्टील अलग है, ठीक है, स्टील तो हो गया आपके पास कार्बन, स्टील हो गया, ओनली स्टील है, यहाँ पर है क्या अपना, आयरन, ठीक है, और कार्बन, ठीक है। और अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें तो आयरन का एलॉय बन रहा है किसके साथ, क्रोमियम और निकल के साथ, विच इज स्ट्रॉन्ग। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है दो एंड डज नॉट रस्ट एट ऑल, यानी कि स्टेनलेस स्टील पे रस्टिंग होगी ही नहीं, स्टेनलेस स्टील पे रस्टिंग होगी ही नहीं। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ो, क्या दे रखा है, एन अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर, कैसा होता है अलॉय, क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, और ए मेटल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल, या तो मेटल ले लो नॉन मेटल ले लो, या दो से ज्यादा मेटल्स का एमालगमेशन कर लो, तो क्या मिलेगा हमें, अलॉय मिलेगा, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, और वो अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी, रस्टलेस होंगे, हार्ड होंगे, स्ट्रांग होंगे, शाइनी होंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एक यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा ब्रास का, क्या एग्जाम्पल है, देखो एक एग्जाम्पल लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है, ब्रास इज एन अलॉय, क्या है, ब्रास अलॉय है ऑफ टू मेटल, ठीक है, कॉपर, एक तो कॉपर मेटल है इसके अंदर, दूसरा क्या है, जिंक मेटल है, ठीक है, वेर एज स्टील इज एन अलॉय, एक यहाँ पर ये स्टील है, वो भी अलॉय है ऑफ ए मेटल एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, क्लियर है, आयरन एंड कार्बन, यही तो मैंने बताया स्टील के अंदर क्या, आयरन और कार्बन है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रास के अंदर भी दो मेटल है, कॉपर और जिंक है, मेटल मेटल के साथ अमालगमेशन कर लो, या मेटल नॉन मेटल के साथ, क्या मिलेगा हमें, एलॉय मिलेगा, और उसके अंदर क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से पढ़ो समझो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रेडिफाइन क्लासेस।